गाइज अक्सर लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। गाइज जानकारी के लिए बता दें कि एक दिन और एक रात 24 घंटे के होते हैं। गाइज 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होते हैं। गाइज वैसे दिन और रात होना एक प्राकृतिक घटना है। गाइज हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। गाइज और हमारी पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी अपनी पूरी धुरी पर चक्कर लगाती है या घूमती है, गाइज सूर्य अपने अंतरिक्ष में एक जगह पर स्थित है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर लगाकर पूरा करती है। और जब भ्रमण पथ के समय पृथ्वी 365 दिन में उसका एक चक्कर पूरा करती है। यही वजह है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य की किरण पृथ्वी के किसी क्षेत्र पर पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जिस क्षेत्र पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तभी दिन और रात होते हैं। गाइस कई लोगों को अक्सर सफर के दौरान जी मिचलाने और उल्टी जैसी दिक्कत होती है। उन्हें घबराहट और सांस लेने में बेचैनी होती है। गाइस सफर में उल्टी आने को मोशन सिकनेस कहते हैं। ध्यान रखें कि मोशन सिकनेस कोई बीमारी नहीं है। मोशन सिकनेस उस प्रक्रिया को कहते हैं जब शारीरिक क्रियाओं और मस्तिष्क का तालमेल न हो। हमारी शरीर की सभी इंद्रियां दिमाग से कनेक्ट होती हैं। इन इंद्रियों की हरकत पर ही मस्तिष्क अपनी प्रतिक्रिया देता है। मगर जब हम बस या कार में सफर करते हैं तब हमारी आंख, नाक, कान तीनों एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद आपको चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है और उल्टी आने लगती है। गाइस धर्मेश सर, जो आज बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, एक एक्टर और डांस रियलिटी शो में एक जज हैं। गाइस धर्मेश सर की जमीन से उठकर आसमान को छूने की कहानी है। इस इंसान को बचपन से ही डांस का काफी शौक था। उनके पापा की चाय की स्टॉल थी, इतना पैसा था नहीं, फिर भी उनकी दीवानगी को देखकर उनके पापा ने डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। और काफ़ी दूर उन्हें उनके पापा साइकिल पर छोड़ने जाते थे और उन्हें लेने भी जाते थे, और वो अपने डांस की तरफ फॉलो करते रहे। और एक दिन किस्मत बदली और डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में छा गए। गाइज मेहनत और लगन से एक रियलिटी शो में जज हैं। गाइज अपनी मेहनत जुनून से कैसे आसमान को छुआ जाता है, ये आप धर्मेश सर से सीखिए। Thanks for watching.